हेलो फ्रेंड्स, देसी तड़का रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है आम का अचार। तो उसके लिए मैं क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाला हूँ, तो जैसे आम का अचार है तो मेन इंग्रेडिएंट तो हमारा आम ही है। उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम आम लिए हैं। ये कच्चे आम हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आप लाइए इन्हें धो के और पीसीज में काट लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो मैं मसाले यूज़ कर रहा हूँ वो है नमक, ये 2 बड़े चम्मच हैं, लाल मिर्च है, ये सौंफ है, इसे मैंने पीस लिया है, इसका सॉर्ट ऑफ पाउडर बना लिया है, ये गरम मसाला है, ये सौंफ के ये 2 चम्मच हैं, गरम मसाला 1 चम्मच है, ये हल्दी है, ये देगी मिर्च है, ये कलौंजी, जनरली जिसे निगेला भी कहते हैं, ये प्याज के बीज बोलते हैं ऐसे, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और ये मेथी पाउडर है, ये 1 चम्मच है, ये भी 1 चम्मच है, और मैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज़ कर रहा हूँ। इसका क्या ला इसे क्या कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो ट्रिक ये है कि पहले मैंने इसे गरम कर लिया है, गरम करने के बाद इसे मैंने ठंडा कर लिया है, फिर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो हम सबको मिक्स करते हैं, आम डालते हैं और अपना अचार बनाते हैं। मैं जितने भी मसाले यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारे कंज्यूम कर लूँगा इसी में। ये सौंफ का पाउडर, लाल मिर्च 1 चम्मच है ये, अगर आप तीखा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं, नमक स्वादानुसार, ये गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, देगी मिर्च, ये कलौंजी के बीज, और ये मेथी का पाउडर। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं पहले। मसाला लगभग मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें अपना सरसों का तेल डाल लेता हूँ। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है।
अच्छी तरह मिक्स होने के बाद अब नेक्स्ट हमें इसे क्या करना है, आपको सिंपली इसे 8 से 10 दिन धूप में सुखाना है। इसे आप सुबह 10-11 बजे से धूप में रख दीजिए और शाम को 4-5 बजे तक उठा लीजिए, बट ये कंटिन्यू प्रोसेस 8 to 10 डेज करना है। उसके बाद ये आपके कंज्यूम करने खाने के लिए तैयार है। आपको अगर लगे कि लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो आप सरसों का तेल, सेम प्रोसेस, उसे गर्म करके ठंडा करके किसी कंटेनर में इसे भर लीजिए और सरसों के तेल से फिल कर दीजिए और फिर ये आपका 8 से 10 महीने भी इजीली निकाल देगा। और ये फाइनली आपका अचार तैयार है, खाइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।